दोस्तों, सलमान खान की अपकमिंग मूवी टाइगर 3 नेक्स्ट वीक रिलीज हो रही है और फिलहाल एडवांस बुकिंग में टाइगर 3 ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग खुलते ही ये फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। अभी इस फिल्म की एडवांस बुकिंग को खुले हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही दिनों में एडवांस बुकिंग से ही ये साफ हो चुका है कि टाइगर 3 सलमान खान के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली मूवी होने वाली है। टाइगर 3 सलमान खान और कैटरीना कैफ की सबसे सफल फ्रेंचाइज मूवी है। जब जब टाइगर सीरीज की मूवी आई है, तब तब इन मूवीज ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करके खूब वाहवाही बटोरी है। अब टाइगर 3 के जरिए एक बार फिर से सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर आग लगाने वाली है। हालांकि अभी भी टाइगर 3 पठान और जवान के शुरुआती एडवांस बुकिंग से पिछड़ी हुई है, जिसका दोष मैं YRF की पुअर प्रमोशन कैंपेन को दूंगा, क्योंकि दोस्तों सिर्फ एक टीजर ट्रेलर और एक गाने के अलावा YRF ने फिल्म से कोई और नए प्रोमो को जारी नहीं किए। अब फिल्म जब रिलीज होने की दहलीज पर आ चुकी है, तब भी यशराज फिल्म्स फिल्म के किरदारों को अंडर रैप्स ही रख रहे हैं। अब क्योंकि ये एक थर्ड पार्ट है और एक बड़ी फ्रेंचाइज मूवी भी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाना चाहिए था, लेकिन बुरी प्रमोशन स्ट्रेटजी के चलते ये अभी भी पठान से पिछड़ गई है। जहां जवान ने पहले दिन 7 लाख टिकटें बेची थी, वहीं पठान ने 5.5 लाख टिकटें बेची थी, लेकिन टाइगर 3 ने पहले दिन 4,70,000 ही टिकटें बेची हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर्स है। और ये नंबर सलमान खान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो से 1 लाख ज्यादा टिकटें बेची है, यानी कि टाइगर 3 भी अपने ओपनिंग डे पर 50 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है इंडिया में। अगर आने वाले दिनों में फिल्म की एडवांस बुकिंग में और तेजी से टिकटें बिकी तो कलेक्शन में कुछ और करोड़ का इजाफा हो सकता है इस फिल्म के। वहीं सलमान खान के फैंस का एक्साइटमेंट लेवल फिल्म की रिलीज को लेकर बढ़ता ही जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म कौन कौन से नए रिकॉर्ड्स अपने ओपनिंग डे पर अचीव कर पाती है। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी खबरें सुनते रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।